आजी सोलापूर न्यूज चॅनल। आजचा दिवस हा गद्दार दिन म्हणून साजरा करा असे आदेश संजय राऊत यांनी दिले आहेत। एक बात है कि देखो, एक सवाल पूछ लो। आज मैंने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ पीएमओ इंडिया सबको मैंने एक पत्र लिखा है, बहुत ही गंभीरता से लिखा है और ये जानकारी दी है कि हमारे पूरे विश्व में बहुत से अलग अलग तरह के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, योगा डे होता है, लेकिन इस विश्व में इतने बीमार लोग अपना समाचार राजनीति कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ट्रेटर डे, अंतर्राष्ट्रीय बेईमान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस, ये मनाने की इजाजत होनी चाहिए। और इसलिए आप 20 जून आज का दिन है वो तय कर लीजिए कि ये गद्दार दिन है, ये वर्ल्ड ट्रेटर डे। विश्व के सबसे बड़ी गद्दारी आज के दिन महाराष्ट्र में हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 लोगों ने बेईमानी की, गद्दारी की, वो इतिहास जो है पूरा काला चिट्ठा आपके सामने, उससे भयंकर बेईमानी इस देश में या विश्व में कभी नहीं हुई। जिस माँ ने आपको पाला, बड़ा किया, प्रतिष्ठा दिया, सब कुछ दिया, उस माँ के बीच में खंजीर ठोककर आप चले गए, उससे बड़ी बेईमानी इस देश में, देश के राजनीति में नहीं। तो विश्व के अलग अलग हिस्से में इस प्रकार की बेईमानी शायद हो गई होगी या हो जाएगी। तो बेईमानी और गद्दारी एक ऐसा हिस्सा है हमारे समाज का, तो लोगों को एक दिन बेईमानों को याद करने या उनको जूते मारने के लिए, वैलेंटाइन डे को आप फूल देते हैं, यहाँ जूते मार, तो मैंने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के सभी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को बताई, यूनिसेफ को भी लिखा। और ये पब्लिक डिमांड है, ये पब्लिक डिमांड है और मैं उसका फॉलोअप करूंगा। अब मोदी जी भी आज अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी को भी मैंने लिखा है, मोदी जी भी फॉलोअप करेंगे वहाँ। मोदी जी यूनो में भी जा रहे हैं, तो मोदी जी की भी जिम्मेदारी है, देख लें। वॅलेंटाईन डे साजरा करतो, योगा डे साजरा केलेला आहे मोदींच्या कृपेने, तर तो कधी मदर्स डे, कधी फादर्स डे, कधी हा डे, कधी तो डे। मला असं वाटलं की आजचा दिवस 26 जून हा या देशाच्या इतिहासातला काळाकुट्ट दिवस आहे लोकशाहीसाठी, स्वातंत्र्यासाठी। लोकशाहीची हत्या करून आईसारख्या शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुप एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालच्या 40 आमदारांनी ज्या प्रकारची बेईमानी केली, या बेईमानीची दखल, गद्दारीची दखल जगातल्या 33 देशांनी घेतली असं शिंदेंचं म्हणणं। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जगभरामध्ये अशा अनेक घटना घडत असतील, पण ही सगळ्यात भयंकर घटना होती। आपण जर अनेक दिवशी वेगळ्यावेगळ्या पद्धतीनं योगापासून व्हॅलेंटाईनपर्यंत प्रेमिकांचं स्मरण करतो, मग माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।